जनसेवा और जगत सेवाई शिक्षा दे श्रीमद भगवद गीता गीता देखा पथरे अग्रसर हो भारत गीता भारत को शिखाई स्वाधीनता और सहनशीलतार आदर्श प्रधानमंत्री द्वारा उन्मोचित है एगार भल्यूम्र हाथलेखा श्रीमद भगवद गीता गीतार रही एक जन विशिष्ट टीकाकार व्याख्या मार्च 9 तारीख दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्मोचित हो जा हाथ में लिखा जाता एगार भाग विशिष्ट श्रीमद भगवद गीतार भाष्य लेखक तथा दार्शनिक करण सिंह एवं जम्मू काश्मीर राज्यपाल मनोज सिन्हा उपस्थित नुआ दिल्ली में महान ग्रंथर उन्मोचन कर आदि शंकराचार्य आरंभ कर भारत आहुरी अनेक विशिष्ट टीकाकार व्याख्या वाटिका एथिरे स्थान पाई मोट 21 जन भाष्य रही श्रीमद भगवद गीतार यह अवसर में प्रधानमंत्री कहते गीतार मंत्र सहित भारत विकास पथरे आगे चली गीता ही आमको शिखाई केमिति जनसेवा सह जगत सेवा करते कोरोना महामारी व्यापीबा आरंभ कला सेतेबेले विश्व में कहीं भी यार मुकाबला प्रस्तुत नथिले मात्र भारत दृढ़ भाव यार मुकाबला करने मेड इन इंडिया वैक्सीन विश्व को जोगाई पारी यहाद्वारा विश्व में मानववाद प्रतिष्ठा करिबारे निजर अवदान रखी भारत गीता ही है जिसने दुनिया को निस्वार्थ सेवा जैसे भारत के आदर्शों से परिचित कराया नहीं तो भारत की निस्वार्थ सेवा विश्व बंधुत्व की हमारी भावना ये बहुतों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं होती। आप देखिए कोरोना जैसी महामारी दुनिया के सामने आई उस समय जैसे पूरा विश्व इस क्षेत्र से अनजान था एक अननोन एनिमी था दुनिया तैयार नहीं थी मानव तैयार नहीं था और वैसे ही स्थिति भारत के लिए भी थी लेकिन भारत ने खुद को भी संभाला और विश्व की सेवा भी के लिए भी जो भी कसर कर सकता है पीछे नहीं रहा दुनिया के देशों को दवाइयां पहुंचाई जरूरत जिन सामग्री की थी उसको पहुंचाया ये सारा विश्व मनुष्य समाज सेवा करने भारत निज को प्रस्तुत कर देशर गणतंत्र आमको भाव प्रकाश करिवारो कार्य करिवारो स्वाधीनता देवास जीवनर सब स्तर में समानता और स्वाधीनता को सुनिश्चित करिछि गीता होची आमर प्रेरणा यह सारा विश्व को स्वार्थहीन सेवार शिक्षा प्रदान करिछि बोली कहिछन्ति प्रधानमंत्री साथियों गीता के विश्व रूप ने महाभारत से लेकर आजादी की लड़ाई तक हर कालखंड में हमारे राष्ट्र का पथ प्रदर्शन किया है। आप देखिए भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले आदि शंकराचार्य जी ने गीता को आध्यात्मिक चेतना के रूप में देखा गीता को रामानुजाचार्य जैसे संतों ने आध्यात्मिक ज्ञान की अभिव्यक्ति के रूप में देखा स्वामी विवेकानंद जी के लिए गीता अटूट कर्मनिष्ठा और अदम्य आत्मविश्वास का स्रोत रही है गीता श्री अरविंदो के लिए तो ज्ञान और मानवता की साक्षात अवतार थी गीता महात्मा गांधी की कठिन से कठिन समय में पथ प्रदर्शक रही है गीता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की राष्ट्रभक्ति और पराक्रम की प्रेरणा रही है ये गीता ही है जिसकी व्याख्या बाल गंगाधर तिलक जी ने की और आजादी की लड़ाई को एक नई ताकत दी नई ऊर्जा दी थी गीता है भारत आदर्शगत स्वाधीनता और सहनशीलतार प्रतीक यह प्रत्येक दृष्टिकोण प्रभावित करें भारत मुक्ति संग्राम श्रीमद भगवद गीता ही संग्रामी मानक प्रेरणा देता बोली अवसर में मन पकड़ प्रधानमंत्री ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।